अपने घर में इस दिशा में लिखें ये शब्द, चारों तरफ से मिलेगा प्यार ही प्यार, हर दिशा में होगा आपका राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, दिशाओं का एक अलग ही महत्व होता है, हर दिशा पे उसका अपना हक होता है। आप इस दिशा में अपने घर में यह एक नंबर लिख देते हैं या ये शब्द लिख देते हैं और अपनी इच्छा को उसके पास रखते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, यह शब्द चारों दिशाओं को एकत्रित करके और तंत्र विद्या द्वारा सिद्ध करके बनाया गया है, लेकिन यह शब्द सिर्फ आपको प्यार ही दिला सकता है। आप अपनी इच्छा अपने प्यार के ऊपर प्रकट कर सकते हैं, चाहे प्यार आपसे दूर चला गया हो, चाहे प्यार आपसे बिछड़ गया है, या आपसे नाराज होकर किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, या आप प्यार के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, तो वह भी आपके लिए तड़पेगा, रोएगा। बस आप यह शब्द इस जगह लिख दें। दोस्तों, आपने ये शब्द कैसे लिखना है और कब लिखना है ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसा ही ज्ञान आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, क्या आप भी भगवान श्री कृष्ण से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य ही लिख दें, ताकि भगवान श्री कृष्ण उस चारों धामों की यात्रा करने वाला मुरली मनोहर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। दोस्तों, आपने एक सामग्री तैयार करनी है और उस सामग्री से ही ये नंबर लिखना है। सामग्री के लिए आवश्यक चीज़ें कौन सी हैं सबसे पहले ये जान लें। सबसे पहले आपको गौमूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, गाय के घी की ज़रूरत पड़ेगी और गाय का गोबर, अष्टगंध, सिंदूर और थोड़ा सा शहद, ये सभी चीज़ें एकत्रित करके आप गाय के दूध में मिश्रण बना लें, यानी कि लेप तैयार कर लें। जब आप इस लेप को तैयार कर लेंगे तब आपको यह एक शब्द अपने घर के पश्चिम और उत्तर कॉर्नर में यह शब्द लिखना है। दोस्तों, पश्चिम उत्तर कॉर्नर बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे आसपास की सारी निगेटिविटी ही रहती है और हम इस दिशा को अपने कब्जे में कर लेते हैं और हम जो मांगते हैं उससे वही देती है। तो आपको इस दिशा में शब्द लिखना है लम, यानी कि ला और अंकी बिंदी। चाहे आप इसे छत के कोने में भी लिख सकते हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम दिशा में ही लिखें। चारों दिशाओं को एकत्रित करके ये उत्तर पश्चिम दिशा बनाई जाती है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इसका बड़ा महत्व है। ये प्रेम संबंधों को बनाए रखती है और आप जब ये शब्द लिखें तब आपको इस सामग्री से ही लिखना है। दोस्तों, आप इस सामग्री को साथ ले जाएं, उत्तर पश्चिम कॉर्नर में जाकर बैठ जाएं और अपने दाएं हाथ के अनामिका उंगली से आप यह शब्द लिख दें और हाथ जोड़कर अपनी इच्छा प्रकट करते हुए वहाँ पे अपना सिर लगा दें, यानी कि सिरदा टेक दें। दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको उससे मिलाने से, वो खुद खिंचा चला आएगा आपके पास। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।